दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आज मैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउस की कंस्ट्रक्शन का, अगर एक्सटेंशन करना है आपको, आपका मतलब एक घर बना हुआ है। जैसे मैंने लोड बेयरिंग का वीडियो डाला था कि लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो उसमें आपने देखा होगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें क्या नीचे सिर्फ प्लिंथ बीम या फाउंडेशन या जो भी बोल लो, उसके बाद ब्रिक वर्क किया होता है सीधा और सीधी स्लैब की होती है, वो हो गया हमारा लोड बेयरिंग। तो उसी घर में आपको अगर एक्सटेंशन करना है, मतलब दूसरी स्टोरी बनानी है, तो उसमें सस्ता और इजी वो तरीका कौन सा है? मतलब ऐसे तो एक तरीका है कि आपको नीचे से दीवारें तोड़ के कॉलम देने हैं, फिर उसके बाद आपको वही कॉलम ऊपर तक लेना है, फिर उसके बाद ब्रिकवर्क करना है और स्लैब करनी है, जैसे भी जो प्रोसीजर रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल ईजी तरीका बताऊँगा जो मतलब फ़ायदेमंद है, कि ये बोलो कि पैसे बचाने के चक्कर में फेल तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये क्या वर्क हो रहा है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या तरीका है। ये हमारा जहाँ जहाँ पहले मतलब क्या है, जो भी ड्राइंग रहती है आपकी ऊपर की स्लैब की, उसकी ड्राइंग बनवा लो जी आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से, जो भी आपको प्लान बना के दे देगा। उसको क्या करना है, आपको जैसा जैसा प्लान होगा ना उसको ब्लू प्रिंट बना देना है, मतलब पूरी स्लैब पर उसको छाप देने लगा लो चौक से, जैसे प्रोसेस किया जा रहा है। एक बार जब आपका ब्लूप्रिंट बन गया, उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब उस पर स्लैब बीम प्रोवाइड करनी है। मतलब अगर लेबर लैंग्वेज में बोले आपको तो गाइडरी बोलते हैं या ग्रिडर्स बोलते हैं, लेकिन है क्या बेसिकली ये स्लैब बीम। और ये स्लैब बीम कौन से हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टे, मतलब जैसे आपकी स्लैब होगी पुरानी स्लैब जैसे भरी हुई है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा अभी कि है क्या प्रोसेस, लेकिन मैं इधर बताते जा रहा हूँ आगे पूरा वीडियो है स्टार्ट से एंड तक कि क्या करते हैं। जैसे आपकी स्लैब फिनिश है, जैसे सामने देख रहे हो, जैसे मार्किंग कर ली अभी, अभी क्या करते हैं ऊपर स्टील बांधते हैं, मतलब लगा लो 150 mm से 200 mm तक होता है, वो डिपेंड करता है आप पे कितना, लेकिन मैं बोलता हूँ 150 mm ज़्यादा हो गया। अगर आपको 125 mm भी आप बीम प्रोवाइड करते हो काफ़ी बहुत बेहतर है। जैसे अभी मार्किंग हो गया और उसके बाद ईंटें लगा रहे हैं। ईंटें क्यों, देखो है क्या, जहाँ जहाँ आपकी नीचे दीवारें होंगी, ये पॉसिबल तभी है अगर आपको नीचे 9 इंच या 230 mm की दीवारें प्रोवाइड की हैं, तो ऊपर आप सीधा ऐसे बीम स्लैब बीम डाल के अपना नेक्स्ट स्टोरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नीचे ही 100 mm की दीवारें की हुई हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है, मतलब 5 मीटर के बाद कॉलम प्रोवाइड कर दो, फिर ये वाला प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। क्योंकि होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो लोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्लैब बीम की वजह से। और ये एक ध्यान देना, जहाँ जहाँ आपका देखो जैसे हमने ब्लू प्रिंट छाप दिया उसका, जो आपकी ड्राॅइंग होगी, ये मेन फंडा क्यों है प्रोवाइड करने का। अगर आपको देखो अगर नीचे 230 mm की दीवार है, उसी पे दीवार आती है ऊपर वाली नेक्स्ट स्टोरी की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्लैब बीम नहीं भी प्रोवाइड करोगे चलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे वाला प्लान है घर का वो उससे मैच नहीं हो रहा, जो ऊपर का प्लान बना वो अलग हुआ, मतलब उसकी दीवारें अलग अलग जगह आ रही हैं, तो उसका लोड बाकी नीचे दीवारों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्लैब बीम प्रोवाइड करते हैं। देखो एक बार आपका स्लैब बीम मतलब ये मार्किंग हो गया सब, उसके बाद अगर सस्ते वे में करना है तो ज़रूरी नहीं है आप शटरिंग करो उसमें, जो आपके पास अवेलेबल ब्रिक्स होंगी तो ब्रिक्स को चारों तरफ लगा लो। और एक चीज़ ध्यान देना, आपने देखा होगा वाइट वाइट डब्बे जैसे पड़े हैं, ये क्या है, हॉकिंग की हुई है, मतलब उसको क्या करना है आपने तोड़ देना है उस जगह से जहाँ तो बॉन्डिंग एजेंट लगा लेना है कंक्रीट होने से पहले। एक बार आपका देखो ये बन गया सिस्टम, उसके बाद आपको जो प्रोवाइड करना है स्टील बार प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना है आपको 12 mm का, मतलब 12 mm से छोटा प्रोवाइड नहीं करना है। अगर पॉसिबल है कि आपका स्पैन बड़ा हो रहा है तो 16 mm का 4 बार आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं। जहाँ हम 12 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मैं जब वहाँ विजिट के लिए गया तो एक मिस्टेक देखी कि लैब, देखो आप सामने देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा लैब बिल्कुल छोटा सा किया, मतलब 300 mm का, ये नहीं करना है आपका 12 का है, अगर कम से कम 600 mm एक दूसरे के ऊपर चढ़िया चढ़ाना ही चढ़ाना। ये सामने आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, मतलब मेन फंडा यही था कि अगर आप घर बना रहे हो नेक्स्ट स्टोरी एक्सटेंशन कर रहे हो तो आपको स्लैब बीम प्रोवाइड करने ही करने हैं। ये नहीं है कि मतलब नीचे वाली स्लैब हुई है तो वो लोड बेयर कर लेगी, अभी आपका क्रैक्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, वो धीरे धीरे जो क्रीप होगी मतलब पड़ने लगेगी, लोड पड़ेगा एक जगह पे तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्रैक क्रिएट होते जाएंगे। अगर इन फ्यूचर जो अर्थक्वेक या कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स या कोई लोड लगा तो वो आपका कोलैप्स होने का डर हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको
कॉलम का खर्चा, क्योंकि कॉलम अगर पुरानी बिल्डिंग में कॉलम दोगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्लैब बीम परफेक्ट ऑप्शन है हर चीज़ के लिए, मतलब अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, अगर कॉलम नहीं है तो इसको प्रोवाइड करना है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर जहाँ देखो स्लैब में आपने ये प्रोवाइड कर दी है, फिर आपका जब लिंटर लेवल पहुँचेगा, मतलब 2 मीटर उठ जाएगी दीवारें, ठीक है 2 मीटर, तो तब आपको 10-12 बीम प्रोवाइड करना है चारों तरफ। तो उससे क्या होगा, मतलब नीचे वाला तो एक लोड इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जब हाइट ऊपर होगी तो जो लोड ज़्यादा पड़ रहा होगा, मतलब वो भी अगर आपने लिंटर प्रोवाइड किया चारों तरफ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि 12 mm का डाया, 10 mm का जो आपको अवेलेबल है तो 10 mm का डाया टोटल पूरे घर जो वॉल्स होंगी उसमें फैला दो। तो गाइस ये था, देखो आप आगे अभी पूरा मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कास्ट होगा, तो आप देखते जाओ कि क्या क्या है। देखो हमारा एक बार बीम बनने के बाद कास्ट हो गया, इसके बाद क्या होगा, सिम डायरेक्ट इस पे आप ब्रिक वर्क कर सकते हो, और आपका ये सेफ भी है और सस्ता पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मतलब 20-30% फर्क पड़ जाएगा स्लैब बीम में। और अगर आप कॉलम नीचे से प्रोवाइड करोगे तो आपको 30-40% वो ज़्यादा खर्चा पड़ेगा आपको। तो गाइस ये था आज का टॉपिक कि कैसे अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको एक्सटेंशन करना है, तो अगर कॉलम, क्योंकि कॉलम डालना एक तो कॉस्टली भी हो जाता है, और अगर 230 mm की दीवारें नीचे प्रोवाइड की हैं, नीचे हार्ड स्टाटा है, तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो खर्चा ही बढ़ाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको एक्सटेंशन करना है ऊपर में। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको लगता है कि मेरे को ये समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। जो भी इसके रिलेटेड क्वेरी होगी आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, किसी पर भी आप रिप्लाई करोगे मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। थैंक यू गाइस, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी किया करो।